सतगुरु जी की पावन पवित्र हजूरी विच बैठी हुई सतसंग जी, आओ सब तो पहला आपां सारे जने रल मिल के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणों में हाजरियां लगवाइए। इस करके बेनती है जिन्नियां भी संगतां सतगुरु जी की पावन गोद विच बैठियां ने, गज वज के उच्ची आवाज़ विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो सतसंग जी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने महान कृपा की अपने सारयां ते, जो कि अज आपां सारे जने धन धन राजा साहब जी दे पवित्र स्थानां ते हाजरियां भरन वास्ते पहुंचे हाँ। सतसंग जी, राजा साहब जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां ने सारी दुनिया का भला किया, जिन्हां ने सारी दुनिया नूं तारिया, जिवें सतसंग जी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने चार उदासियां धारण करके दुनिया का भला किया, दुनिया नूं तारिया, गुरबाणी नूं आधार बना के, बिल्कुल सतसंग जी इस तरह राजा साहब जी भी संसार विच आए, उन्होंने भी एक नूं नहीं लखां ते करोड़ां नूं तारिया। इस करके बाबा कबीर साहब जी जिवें कहिंदे आ, कबीर कहदे को सोभा नहीं देखा ही परवान। सतसंग जी, राजा साहब जी दे जिन्ने पवित्र स्थान बने ने, भावें राजा साहब का मजारा होवे, भावें पिंड रैपा होवे, भावें पिंड बल्लोवाल होवे, भावें मन्नणा ना होवे, भावें झिंगणा होवे, जिथे जिथे भी राजा साहब जी ने बह के बंदगी की, अज उथे उथे ही गुरद्वारा साहिब बने ने, राजा साहब जी की जय जयकार हो रही है। ता ही तो गुरु साहब जी ने गुरबाणी च फरमान किया है, साहद की महिमा बेद ना जाने, जेता सुनहै तेता बख्याने। वेदां शास्त्रां ने भी कूक पकार के कहता कि साधवां दी असी महिमा गा नहीं सकते, जिन्ना क सानू पता सी असी उन्नी के महिमा लिख दित्ती। इस करके सतसंग जी, राजा साहब जी भी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सन, पूरे साधु सन, उन्हां दी भी महिमा आपां गा नहीं सकते। सतसंग जी, नूरी किरणा पढ़ के वेखिए तो हैरान हो जाईदा है, राजा साहब जी ने इन्ने इन्ने वड्डे कौतक कीते ने। नूरी किरणा विच दास ने पढ़िया, गारे तों कड़ा प्रसाद बना देना, किसी नूं आए हुए जम लैण वास्ते उन्हां नूं सप बना के अपने हत्थां ते बिठा लेना, एहो जे कौतक राजा साहब जी ने कीते हुए ने। साधु संसार विच बहुत होए ने सतसंग जी, साधु माड़ा कोई नहीं हुंदा, साधु सारे चंगे ने, पर राजा साहब जी अपनी मिसाल आप ने, उन्होंने एक नहीं लखां ते करोड़ां दा भला कीता है, अज ता ही ते उन्हां दी जय जयकार हो रही है। ता ही ते गुरबाणी च गुरु साहब जी फरमान करदे ने, हर मन धन वस्या सोई, जय जयकार करे सब कोई। महाराज कहिंदे जिन्हां दे मन विच, जिन्हां दे तन विच, जिन्हां दे कण कण विच परमेश्वर वाहिगुरु जी दा नाम वस जांदा है, उन्हां दी संसार विच जय जयकार हुंदी है। ता ही राजा साहब जी दी अज जय जयकार हो रही है। सारे प्रेम नाल पढ़िओ सतसंग जी, आपां राजा साहब दे इतिहास विच्चों विचारां भी करनियां है, ते विच विच आपां धारणां भी पढ़नियां है, रल मिल के कीर्तन करांगे, वेखो पर कैसा आनंद आउंदा है। विद्वान ने बहुत सोहना लिखिया है, वह कहिंदा है, भई राजा साहिब नहीं किसे ने बन जाना, दुनिया भावें लख वसदी, राजा साहिब नहीं किसे ने बन जाना, दुनिया भावें लख वसदी, राजा साहिब नी किसे ने
लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी प्यारे जी दुनिया भावे लख बस दी प्यारे ओ दुनिया भावे लख बस दी प्यारे जी दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब नहीं किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी राजा साहेब राजा साहेब ने किसे ने बन जाना दुनिया भावे लख बस दी इस करके सत्संग जी राजा साहेब वर्गा कोई नहीं बन सकता उन्होंने एक नू नहीं अनेकां नू उतारिया ते आओ सत्संग जी रल मिल के नूरी किरणा दे विचों एक साखी की सांझ पाईए आपां सारे जने रल मिल के सत्संगत नूरी किरणा दा लखारी लिखदा है भी राजा साहब जी जदों पिंड मजारे विच रहिंदे सी ओ समय एक एहो जिहा कौतक वरत्या पिंड ददयाल विच एक माई धन्नो रहिंदी सी माई धन्नो दी जिहड़ी धी सी ना सत्संग जी ओ पिंड बकापुर तमाई विखे व्याही होई सी ते साध संगत जदों माई धन्नो ने अपनी धी दा व्याह कीता शादी कीती माई धन्नो ने सारा कुछ वेख्या घर बार भी वेख्या परिवार भी वेख्या वर भी वेख्या सारा कुछ चंगा सी पर साध संगत शादी तो बाद माई धन्नो दी धी दे घर कोई औलाद नहीं होई 10 साल का समा बतीत हो गया हुण जदों 10 साल का समा बतीत हो गया माई धन्नो दी धी दे घर कोई औलाद नहीं होई ते जिहड़ा सौहरा परिवार पहलां बड़ा चंगा लगता सी जिहड़ा घर बार पहलां बड़ा सोहना लगता सी माई धन्नो नूं उस ही परिवार ने माई धन्नो दी धी दी बेकदरी करती लड़ाई झगड़ा घर विच रहन लग पिया नूरी किरणा दा लखारी लिखदा है भई कई वारी झगड़ा होया माई धन्नो दी धी नूं उहनां लड़के लड़ाई करके घरों कढ देना
फिर कुछ समा पा के लै जाना। इस तरह सिलसिला चलता रहा सा संगत। पर एक दिन ऐसा आया सहुरे परिवार ने माई धनों की धी नूं घरों कढ दिता है। कहिंदे असी हुण रखना ही नहीं इहनूं, इहदे औलाद नहीं होई, इह नभागी साडे घर विच आ गई। ते साध संगत माई धनों की धी उहदे घर पिंड ददयाल विखे आ गई। हुण साध संगत आप सियाणे बैठे हो, धीआं दा कारज ते इक वारी बहुत मुश्किल ना हुंदा है, उस तो बाद भी धी घर आ के बह जाए तो यह तो फिर माता पिता नहीं पता हुंदा भी उन्हां दे दिल उत्ते की बीत रही है। माई धनों ने सोचा भी मेरी धी घर विच आ के बह गई, बड़ी मुश्किल दे नाल इहदा विआह कीता सी, शादी कीती सी, भी हुण मैं किधर नूं जावां, किहड़ा कोई गुरु पीर त्यावां कि मेरी धी दा जिहड़ा घर वस जावे। हुण साध संगत माई धनों जिहड़ी है ना उह बैठी सोचती रहिंदी है, हर दम सोचती रहिंदी है किहड़े दर ते जावां, किहड़े गुरु पीर नूं त्यावां, इहो जी कोई किरपा कर देवे मेरी धी दा घर वस जावे। हुण साध संगत माई धनों बैठी सोचती रहिंदी है। जी माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं जावां। जी माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं मैं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं मैं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, बैठी सोचती किधर सोचती। माई तनों जी बैठी सोचती, 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 बैठी सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, सोचती किधर नूं जावां। माई तनों बैठी सोचती, साध संगत जी माई तनों जिहड़ी है बैठी ए सोचां सोचती रहिंदी है किहड़े पासे जावां, किहड़े गुरु पीर नूं त्यावां, मेरी धी दा अपने सहुरे घर विच जा के वसेबा हो जावे। ते साध संगत
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧ ਬਣੀ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਦਿਆਲ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਦਿਆਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਦਿਆਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ
सुनते ने उन्हू राजा राजा कहते ने नेड़े होके सुनते ने उन्हू राजा राजा कहते ने भाई करतार सिंह नूं कहिंदी वे करतार सिया मैं सुनिया तेरे पिंड दे विच तुहाडे पिंड दे विच कोई साधु ऐसे रहिंदे ने ओ नीवी नेड़े हो के सुनदे ने उन्हूं राजा राजा कहिंदे। भाई करतार सिंह कहिण लगा हाँ माता जी राजा साहब रहिंदे ने ओ आसां मुरादां पूरियां करदे ने। ते माई तन्नों कहन लगी वे करतार सिया फिर मेरी जाके अर्जी ला देवी मेरे वालों भी एक फरियाद कर देवी मेरी धी दे सहुरिया ने मेरी धी नूं घरों कढ़ दिता है क्योंकि मेरी धी दे घर कोई औलाद नहीं हुई 10 साल हो गए शादी नूं। ते करतार सिया किते मेरी भी धी दा अपने सहुरे घर च वसेबा हो जावे मेरे वालों एक अर्जी ला देवी। ते साध संगत भाई करतार सिंह जी कहन लगे माता जी उत्थे फरमैश नहीं चलती उत्थे ते आप जाना पैंदा आप जाके अरदास करनी पैंदी है वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ने आप चल के जाना पैंदा है। माता जी जे आप चल के जाइए नीवें हो के जाइए तो झोली बन जाती है। माता जी जे नीवें हो के जाइए झोली बनती है तो जो झोली बनती है ना तो पूर्ण साधु फिर झोली भर देंगे। भाई करतार सिंह ने सारी गल समझाई माता तन्नो जी नूं ते माई तन्नो कहन लगी वे करतार सिंह जे ये गल है ना भी आप जाना पैंदा है आप जाके अरदास करनी पैंदी है आप जाके अर्जी लाउनी पैंदी है फिर मेरी एक गल सुन जदों तू अपने पिंड जाएगा अज जावें भावें कल जावें मैनू दस के जावीं मैं भी तेरे नाल जावांगी ते अपनी अरदास फिर मैं आप जाके कर लांगी। माई तन्नो भाई करतार सिंह नूं कहिंदी जद भी इथों जावेगा मैनू लेके जावी वे जद भी इथों जावेगा मैनू लेके जावी वे जद भी इथों जावेगा मैनू दस के जावी वे जद भी इथों जावेगा मैनू दस के जावी वे जद भी इथों जावेगा
ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਵੇ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਦਿਆਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਧੰਨੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਵੀ ਨਾਲ ਮਜਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਇਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਮਜਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਾਂ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੇ
गड़वी दे विच दुद्ध पा लिया, भेटा लैके जाना ना, खाली हाथ नहीं जाना। तो साध संगत गड़वी दे विच दुद्ध पा लिया, शाम का वेला हो गया, बड़े प्यार दे नाल हिरदे च गरीबी धारण करके माई जसी ते माई तनो ये दोनों जनियां तुर पईयां। राजा साहब जी बैठे ने भाई दौले दे घर, साध संगत शाम का वेला है, चंद्रमी रात हो गई, तारे आकाश विच टिमटमा रहे ने, बड़ा सुहावना मौसम बनया होया है। राजा साहब जी अपने मौज विच बैठे हुए ने, ते माई जस्सी जड़ी उन्हें गड़वी दे विच दुध पाया, दोनों जड़िया तुर पईयां। गड़वी दे विच दुध पा लिया, गड़ी विच दुध पा के दोनों जनियां तुर पईयां। किथे जा रही हैं? पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी राजा साहब जी के द्वारे ते जा रही हैं फरियाद रखने वास्ते। गड़वी दे विच दुध पा लिया, तुर पईयां राजा साहिब वल नूं। गड़वी दे विच दुध पा लिया, तुर पईयां राजा साहिब वल नूं। गड़वी दे विच दुध पा लिया, गड़वी दे विच दुध पा लिया, तुर पईयां राजा साहिब वल नूं। गड़वी दे विच दुध पा लिया, तुर पईयां राजा साहिब वल नूं। गड़वी दे हुण साध संगत माई जस्सी ते माई तन गड़ी विच दुध पाया होया, तुर के जा रही है। राजा साहब ने अपनी मौज विच बैठे हुए ने, सुहावना मौसम। ताही कोई विद्वान कहिंदा वाहवा जी मौज पखीरां दी, वाहवा जी मौज पखीरां दी, वाहवा जी मौज पखीरां दी, वाहवा जी मौज पखीरां दी। साधुआं दी अपनी मौज है। गुरु साहब जी इस गल ते मोहर लांदे ने, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, बिखम मार्ग चरना। गुरु साहब जी फरमान करदे ने साधुआं दी चाल ही वक्री, उठनी बहनी वक्री है। दुनिया विच रहिंदिआं होइआं दुनिया तो वखरे ने। वाह वाह जी मौज पखीरां दी, कदे पहनदे रेशम जरियां, कदे पहनदे रेशम जरियां, कदे गोदड़ी लीरां दी, कदे पहनदे रेशम जरियां, कदे गोदड़ी लीरां दी, बाबा जी मौज फकीरां दी, बाबा जी मौज फकीरां।
साध संगत, राजा साहब जी अपनी मौज विच बैठे हुए ने ते माई जसी ते माई तन्नो गड़बी च दुध पाया होया है ते बड़े प्यार दे नाल दुध दी गड़बी हाथ विच फड़ी हुई है ते राजा साहब जी भाई दौले दे घर बैठे ने ते बड़े प्यार दे नाल जाके मत्था टेकिया है, बड़ी श्रद्धा दे नाल जाके मत्था टेकिया है ते राजा साहब जी बैठे ने हाथ विच खूंडा फड़िया होया ते साध संगत दुध दी गड़बी अगे रख के माई जस्सी ने मत्था टेकिया ते बाद विच माई धन्नो वल्लों माई जस्सी ने अरदास करनी शुरू कीती, फरियाद रखनी शुरू कीती, सारी गल दसनी शुरू कीती कि राजा साहब जी ये माई धन्नो पिंड ददयाल तो आई है महाराज, भावें साध संग जी जिमें गुरबाणी च फरमान आउंदा घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण, जिमें सतगुरु जी कटां कटां दियां जाणदे ने, जिमें सतगुरु जी दिलां दियां जाणदे ने, इस तरह जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने, साधु हुंदे ने, महात्मा संत हुंदे ने, उह वी कटां कटां दियां जाणदे ने। पता क्यों साध संगत? गुरु साहब जी कहिंदे जिन हर जपिया से हर होए, जिन्हां ने हरी जी का परमेश्वर जी का नाम जपया है वह हरी वर्गे बन जाते, वह परमेश्वर वर्गे बन जाते ने, ते राजा साहब जी दे विच ते परमेश्वर वाहिगुरु दे विच कोई फर्क नहीं सी, एकमिक हो गए सन, क्योंकि राजा साहब जी ने बंदगी इन्नी कीती सी, नाम की कमाई इन्नी कीती सी कि परमेश्वर विच वाहिगुरु दे विच ते राजा साहब दे विच कोई फर्क नहीं सी रहा। नूरी किरणा विच ते इत्थों तक भी लिखिया है भई बंद कमरे दे विच राजा साहब जी गैबी शक्तियां दे नाल बैठ के विचारां भी करदे सुने गए। नूरी किरणा विच ऐसियां घटनावां लिखियां पढ़ के हैरान हो जाईदा। इस करके राजा साहब जी अपनी मिसाल आप सन, उन्हां दे गुण कोई गा नहीं सकदा, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी दे दाना, जिवें आपां अकाल पुरख दे गुण नहीं गा सकते बिल्कुल उस तरां रब दे प्यारियां दे गुण नहीं गा सकते, ते राजा साहब जी उन्हां विच्चों सन जिन्हां दे गुण नहीं गाए जांदे, ते राजा साहब जी बैठे सन दुध वाली गली भी रख के माई जस्सी ने सारी गल करनी शुरू कीती कि महाराज ये माई धन्नो पिंड ददयाल तो आई है, इन्हें अपनी धी का विआह किया सी महाराज 10 साल पहला बक्कापुर तमाई दे विच, ते बड़ा सोहना परिवार वेख्या सी, परिवार भी चंगा सी, घर बार भी चंगा सी, वर भी चंगा सी महाराज, पर हुण 10 साल हो गए महाराज माई धन्नो की धी दे घर औलाद नहीं होई, बस इस कारण सहुरे परिवार ने माई धन्नो की धी नूं महाराज घरों कढ दिता है, वो बड़े समय दी अपने पेके घर आ के बैठी है। महाराज माई धन्नो विचारी सोचा सोचती रहिंदी है कि करां, कित्थे जावां, मेरी धी दा वे सेवा किवें होवे, ये सारी गल माई जस्सी जी ने दसी। राजा साहब ने बड़े प्यार दे नाल ये गल सुनी ते नूरी किरण दा लिखारी लिखदा है ज्यों ज्यों गल माई जस्सी दस रहे सन ते राजा साहब जी हस रहे सन, अपनी मौज च मुस्करा रहे ने, नाले नाल गल सुनी गए ते नाले नाल ही भला करदे गए, क्योंकि वह भला करन वास्ते आए सी, वह दुनिया नूं तारन वास्ते आए सी, ता ही तो कोई विद्वान कहिंदा है जी साधु आउंदे ने जगत विच प्यारियो दुनिया नूं तारन वास्ते, साधु आउंदे ने जगत विच प्यारियो दुनिया नूं तारन वास्ते, साधु आउंदे ने जगत विच प्यारियो दुनिया नूं
तारन वास्ते साधु आंदे। राजा साहब ने एक नूं नहीं करोड़ां नूं तारिया, कोई गिनती मिनती नहीं। राजा साहब जी जगत विच आए, दुनिया नूं तारन वास्ते। राजा साहब जी जगत विच आए, दुनिया नूं तारन वास्ते। राजा साहब जी जगत विच आए, दुनिया नूं तारन वास्ते। राजा साहब जी जगत विच आए, दुनिया नूं तारन वास्ते। राजा साहब जी जगत विच आए, दुनिया नूं तारन वास्ते। राजा साहब जी जगत विच आए, दुनिया नूं तारन वास्ते। उस वेले नूरी कन्न दा लिखारी लिखदा, जदों माई जस्सी कोलों राजा साहब ने सारी वार्ता सुनी, अखीर विच राजा साहब जी फिर पुछण लग पे, भई माई तन्नों दे नानके किहड़े पिंड ने, दादके किहड़े पिंड ने। इदां दे सवाल पुछने शुरू करते राजा साहब जी ने अपनी मौज विच आके, ते नालों नाल भला करी जा रहे ने। माई तन्नों दी धी दा नाल नाल ही घर वसा रहे ने, कृपा कर रहे ने। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी राजा साहब जी होए, नालों नाल ही भला करी जांदे सी। ते साध संगत जदों राजा साहब जी सवाल पुछ रहे ने, माई तन्नों पहलां ते चुप करके बैठी रही, क्योंकि पहली बारी किसी साधु दे चरणां विच आई सी, किसी महात्मा दे कोल आई सी, कदे दर्शन नहीं सी कीते। पर एकदम नूरी किरण दा लिखारी लिखदा, माई तन्नों एकदम बोली, कहिंदी महाराज जिहड़ी मेरी धी दी पतीस है ना, जे वह मर जावे ते मैं तुहाडे चरणां च 100 रुपये दा मत्था टेकां, ते नाल इक होर मंग मंग ली कि मेरी धी दा घर वसेबा भी हो जाए, ते पुत्र भी होण, एक धी भी होवे, ते नाल ये भी कहता भी मेरी धी की जिहड़ी पतीस वह मर जावे। राजा साहब जी कहिंदे, कमलीए ज्यों ज्यों तेरी धी की असी सारी गल सुनी, असी नालों नाल ही उहदा घर वसाता सी। आउण वाले समें च उहदे घर पुत्र भी होणगे, धी भी जन्म लेगी। पर कमलीए जिहड़ी तूं आ गल कह रही है ना कि मेरी धी की पतीस मर जावे, असी क्यों मारीए? असी मुन्नू मार के कातल थोड़ी बनना है, असी तो दुनिया नूं तारन आए हाँ, जिंदगी देण आए हाँ, असी किसी नूं मारन नहीं आए। इन्नी गल कह के कहिंदे राजा साहब जी क्रोध विच आ गए, क्योंकि साधुआं दी मौज है, पता नहीं किहड़े वेले क्रोध ते किहड़े वेले प्यार दे मार्ग ते चल पैणा है। ये आपां दुनियावी लोग नहीं समझ सकते उन्हां दी रमज नूं, साधुआं दी रमज बड़ी डूंघी हुंदी है। ते साध संगत क्रोध विच आ के कहिंदे, राजा साहब जी ने जिहड़ा कोल खूंडा रख्या सी, खूंडा फड़ लिया। माई जस्सी जिहड़ी सारी गल दस रही सी, वह भी कोल ही बैठी है, माई तन्नों भी कोल बैठी। ते जदों माई तन्नों ने इदां कहता ना कि महाराज कृपा करो मेरी धी की पतीस मर जावे, ते उस वेले राजा साहब जी ने खूंडा फड़ लिया। एक मार, दो मार, पांच खूंडे जिहड़े ने वह मारे, ते पांच खूंडे मार के ते भला कीता। किवें कीता जी? राजा साहिब ने उधार सीगा करता, पांच खूंडे मार मार के। राजा साहिब जी उधार सीगा करता, पांच खूंडे मार मार के। राजा साहिब ने उधार सीगा करता, ¡Gracias!
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ ਪੰਜ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਖੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਖੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜ ਖੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਖੁੰਡੇ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਨੂਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈ ਧੰਨੋ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਨੂਰੀ ਕਿਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 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 ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ
सत्संग जी इन्नी हाजरी प्रवान करो जी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।